सूबे की सरकार ने गुरुवार को तीसरा बजट पेश किया है जो 4,79,701 करोड़ रुपए का है। हालांकि बजट की बात की जाए तो हर वर्ग और हर विभाग को ध्यान में रखते हुए सभी को कुछ न कुछ दिया गया है। बजट से बहुत खुश हैं हम लोग। 36 माह से वेतन नहीं मिला, मदरसों की हालत खराब थी। इसे बजट के आने से मदरसों में काफी सुधार होगा, विकास होगा इसका। हम लोग बहुत अरे बजट आया है तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन ये बजट जमीनी स्तर पे अगर उतर जाए तो ठीक है, क्योंकि हमारे बेचारे मदरसा टीचर जो हैं करीब 40 महीने से इन लोगों को मानदेय नहीं मिला है। अभी तक कई बार दिल्ली भी गए हैं, प्रदर्शन किया है, लेकिन फिर आश्वासन ही मिला है। आज तक तो कुछ मिला नहीं, अभी 4 सालों से। अब बजट आया तो बहुत खुशी की बात है। हो सकता है मोदी सरकार कुछ अगर ध्यान दिया इसने मदरसों की तरफ से तो अच्छी बात है। इस बजट से मदरसों की हालत सुधरेगी? हाँ, उम्मीद है कि अगर बजट आ जाएगा जमीनी स्तर पे तो जरूर हालत सुधरेगी। अभी जमीनी स्तर पे बजट को लेकर शंका है आप लोगों को? हाँ बिल्कुल शंका है, क्योंकि 40 महीने हो गए हैं, 40 महीने से मानदेय नहीं मिला है। बेचारे सब भुखमरी के कगार पे हैं, जो आधुनिक टीचर हैं इसमें, और बहुत तो अपना काम धाम छोड़ के अपना दूसरे काम में लग गए हैं। योगी सरकार के मदरसों को 559 करोड़ का बजट को लेकर मदरसा संचालकों ने खुले दिल से स्वागत किया है, लेकिन अभी उनके मन में एक शंका जन्म ले रही है कि ये बजट पारदर्शिता से उस स्तर तक पहुंच जाए जिस मंशा से सरकार ने इस बजट को जारी किया है। गोपाल गिरी, टीवी लखीमपुर खीरी।